नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी न्यूज। एपी न्यूज में आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कुणाल कुमार की सुपौल से ये खास रिपोर्ट। जी हां, देर रात दुकानों में अचानक लगी आग से लाखों रुपए की हुआ क्षति। सदर थाना के सदर बाजार स्थित अति व्यस्त स्टेशन रोड में अचानक एक दुकान में देर रात को आग लग जाने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी भयानक थी कि जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक उसके चपेट में तीन दुकानें आ चुकी थी। खास बात ये थी कि एक दुकान में करीब दर्जन भर गैस सिलेंडर रखा हुआ था जो कि आग के कारण बारी बारी से फटता चला गया। गनीमत थी कि इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि बाद में दमकल की गाड़ियां आई और लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। इस अगलगी में बताया जा रहा है कि कपड़ा, झाड़ू और कोजी स्वीट्स का जो कॉर्नर है, एक बजे के करीब में लगा। जलने की क्या क्या सामग्री? बस जला है, बस कैठो दुकान जला है। यहाँ पर दो था, कपड़ा वाला जी, झाड़ू का था जी, और कोजी स्वीट कॉर्नर का पीछे सरकार खाना था। आग लगने का कारण किस चीज़ का ये बता नहीं पाएंगे कि आग लगने का कारण। सिलेंडर कितना है? सिलेंडर लगभग 23 से एग्जैक्ट मैंने गिना अभी। फटा कितना है? और 15 फटा है जी। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। आपका दुकान था, आपका नाम क्या है? नीतीश कुमार। आपका दुकान था? और क्या दुकान चला है? तीन दुकान। कौन कौन सा? दो कपड़ा का, एक झाड़ू का। किस चीज़ से? गैस सिलेंडर।